तो गाइस ये था मेरे पैर की कंडीशन। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी जब मैं ये घर आई अपने, तो कार में जो पैर लटकाए लटकाए और भी सूजन, पैर में स्वेलिंग आ गई थी, डबल हो गए पैर। तो मतलब कि इस बार तो मेरी मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो गई। मेरी इनाई के टाइम में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आई थी, बट इस बार पूरे फेस पे, पूरे हाथ पे, पैर पे काफ़ी स्वेलिंग आ चुकी है, आप देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 4 दिन हो गए, आई थिंक 4 से 5 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं करी है, बट आप लोग मुझे देख के ही समझ गए होंगे कि मैंने क्यों अपलोड नहीं करी है। एक्चुअली मैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इस बीच ख़राब थी और मैं अपने घर आई हुई हूँ। मैंने जो मेरा ऑपरेशन हुआ वो कानपुर में ही हुआ था, और क्योंकि जब मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई फिर मैं वहाँ पर घर गई, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था क्योंकि वहाँ पर दोनों बच्चों को अकेले देखना, और क्योंकि ऑब्वियसली काशिप भी पूरा दिन नहीं रह सकते, उनको अपने काम से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए भी मैं यहाँ पर अपने मायके आ गई। थोड़ा सा मम्मी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है जिसके वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती हैं। तो तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब है, आप देख सकते हो जो स्वेलिंग है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है मेरे हैंड्स पे और पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग से थोड़े बहुत मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों मैं 4 दिन से वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है कि मेरे पास, इनफैक्ट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बाल तक बना सकूं, मतलब मैं बाल अपने बांध सकूं या उसको झाड़ सकूं। कि एक बच्चे को देखना और उसके बाद दो बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं अपने बच्चों को खुद से देखती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती, लाइक किसी की भी, कोई भी हेल्पर या कुछ भी, किसी की भी मैं हेल्प नहीं लेती। हाँ मम्मी ज़रूर छोटे वाले बेबी को देख लेती हैं, जैसे मुझे किचन में जाना है या कुछ करना है या कुछ पानी पीना है, तो मैं दोनों को एक साथ भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि इनाया थोड़ी सी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है, कोई ऐसी बदमाशी नहीं कर रही है जिसमें मुझे लगे कि वो, लेकिन तो भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी बच्ची अभी बहुत छोटी है, 3 ईयर्स की है, तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। तो मुझे डर लगता है कहीं कोई चीज़ फेंक के या ऐसे कुछ मतलब ना कर दे या कुछ उसको, बेबी को हर्ट ना कर दे, तो थोड़ा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इस बार जो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ये ख़राब हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया, मेरे हाथ देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है, मैंने सारी रिंग्स उतार दी, और तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। दो बेबी को देखना बहुत ज़्यादा काम रहता है, लाइक इनाया को भी मैनेज करना, और इत्तेफाक ऐसा भी हुआ कि इनाया को कोल्ड हो गया जब वो, जब हम यहाँ कानपुर टू लखनऊ आ रहे थे, तो ये अपने पापा के साथ आगे बैठी थी, तो एसी कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, तो इनको डायरेक्टली, इनको एसी के वजह से इनको कोल्ड हो गया जिसके वजह से वॉमिटिंग हो रही है। और छोटे बेबी को भी देखना क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, लाइक वैक्सीनेशन वगैरह रहता है बच्चे को, एक बार जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके आई थिंक 1 वीक बाद तो आपको एक चेकअप तो ज़रूरी होता है पीडियाट्रिशियन से। तो इनफैक्ट मैं कल गई थी उनका एक चेकअप के लिए, मैंने सोचा एक बार चेकअप करा लूँ कि मतलब कि ठीक ठाक है सब कुछ। तो अभी वैक्सीनेशन के लिए मुझे आज फिर जाना है, और इनके टीके के लिए पूरा कार्ड वर्ड बनाना है कि मतलब कब कौन सा लगेगा, क्योंकि 3 ईयर्स सब कुछ मैं भूल गई हूँ, इनाया में 3 साल हो गए हैं और वक्त पता ही नहीं चला, और तो वो सब चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ और सब चीज़ रिकॉल करनी पड़ रही है क्योंकि समझ नहीं आता है कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा दो बच्चों में बहुत हेक्टिक हो रहा है। बट ये कि चलो माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा है तो उसकी इज्जत है और हो जाएगा सब कुछ, वक्त पता नहीं चलता है। इनाया में भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट हो गया सब। देखो आज माशाल्लाह से 3 ईयर्स की हैं और अभी देखते देखते बड़ी हो जाएंगी, कब पता नहीं चलेगा। तो कुछ इसलिए भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, मैं आप लोग से नहीं मिल पा रही थी कुछ अच्छा, बट इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी अपने ठीक हो रही हूँ, रिकवर हो रही हूँ, और अच्छी वीडियोस के साथ आऊँगी और हॉल वीडियोस के साथ आऊँगी क्योंकि आप लोग को हॉल वीडियोस बहुत पसंद आते हैं मेरे।
तो इंशाल्लाह मैं अभी और अच्छी वीडियोस के साथ आप लोग के साथ आऊँगी। जो थोड़ा सा था जो इनाया के टाइम में, अब टाइम में बहुत डिफरेंस था। अब की थोड़ा सा मैंने बहुत ज़्यादा पेन सहा, लाइक ऑपरेशन में भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको कुछ पता नहीं रहता, जो कुछ होता है रैंडमली चीज़ें होती रहती हैं। लाइक हमें नहीं पता भी इंजेक्शन लगने वाला, हमें नहीं पता, लेकिन सेकेंड टाइम में आपको सब कुछ पता है कि ऑपरेशन में क्या क्या होने वाला है। तो जब मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँ अपने ऑपरेशन का, सेकेंड ऑपरेशन का एक्सपीरियंस, तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी कानपुर में, तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, हार्ट बीट वगैरह चेक करी थी बेबी की। देन आफ्टर उन्होंने ये फिर वो ग्लूकोज वगैरह वीगो वो लगाया और बोला कि 12 बजे उन्होंने पूरा एडमिट करा, सब कुछ लगाया। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि 1:30 सवा 1, आई थिंक 12:54 पे इनका ये बॉर्न हुए थे। और नाम मैं बताऊँ, मैंने डिसाइड किया था कि मैं इनका नाम बेबी का, दोनों का नाम डिसाइड किया था, क्योंकि ऐसा है भी कि आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर बेटी होगी तो मैं उसका नाम रखूँगी ज़ाहिरा, और बेटा होगा तो मैं उसका नाम रखूँगी मोहम्मद यूसुफ। और मुझे बहुत पसंद है नाम, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा था ये नाम रखूँगी। और मैंने पता भी किया, 2-3 नाम, 4-5 नाम मैंने डिसाइड करके फिर उनसे मतलब पूछा भी, तो जो यूसुफ नाम सबसे मतलब अच्छा तो है ही है, तो उसका मायने मीनिंग सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनका नाम मोहम्मद यूसुफ रखा हुआ है। और बेटी का नाम मैंने सोचा था कि अगर बेटी होगी तो मैं उसका नाम ज़ाहिरा रखूँगी, काफ़ी अच्छा बहुत प्यारा सा नाम है। हाँ बेटा, तो इनाया यहाँ पर खेल रही है, हालांकि उसकी भी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो 12:54 पे ये पैदा हुए थे, और जब मैं थिएटर गई थी मुझे पता था कि अभी एनेस्थीसिया लगेगा और वो मुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, तो यही हुआ। उन्होंने मुझसे वो मेरी क्वालिफिकेशन पूछने लगे आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। उसके बाद उतने में उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, तो इंजेक्शन तो ऑब्वियसली पिछले में मुझे इतना पेन नहीं होता, बट अब की जब वो इंजेक्शन के बाद जब लेटी ना उस बेड पे, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बॉडी कुछ काम ही नहीं कर रही। पीठ जो इतना हैवी पेन उठा था 2 मिनट के लिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं इनाया के टाइम में पूरे टाइम बेड पे जब ऑपरेशन हो रहा था तो मैं जाग रही थी। इनफैक्ट जितने भी डॉक्टर के कॉन्वर्जेशन हो रहा था, ये दो, ये पास करो, वो पास करो, तो मैं वो सब कुछ सुन पा रही थी। और इनके टाइम में, यूसुफ के टाइम में मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बिल्कुल बेहोश थी। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि इनके टाइम में मुझे डॉक्टर ने इनफैक्ट बताया भी कि उज़्मा तुम्हें बेटी हुई है, और इनके टाइम में मुझे डॉक्टर ने, मुझे होश ही नहीं था। बाद में मैंने इनफैक्ट सिस्टर लोग कुछ वहाँ पर स्टिचेस कुछ कुछ जो कर रहे थे, क्योंकि सामने मेरे, क्योंकि जब वो मेरे आईज़ क्लोज कर रहे थे तो मैंने बोला आईज़ क्लोज कुछ रख रहे थे, तो मैंने बोला मत रखिए मुझे सफोकेशन होता है, तो उन्होंने एक ग्रीन कलर का कपड़ा लगा दिया था फेस के पास। तो तब मैंने, जब मुझे होश आया था मैंने पूछा, तो मुझे पता लगा कि बेटा हुआ है। मुझे ऐसा साउंड सुनाई दिया था कि बेटी हुई है, बट बाद में मुझे पता लगा थोड़ी देर बाद जब मैं होश में आई, क्योंकि मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी इनके टाइम में, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। फिर उसके बाद जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ा है और जो इंजेक्शंस, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि चीखें निकल रही थी जब वो, क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब वीगो लगता है ना, तो मेरा ब्लड बहुत जल्दी से लाइक जम जाता है, फिर से उनको मतलब वो बार बार जब वो इंजेक्शन उसी में पुश करते हैं ना, तो बहुत पेन होता है। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वीगो में होती है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और आप देख सकते हो मेरी कंडीशन इस बार की, कि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है और बॉडी भी इतनी काम नहीं कर रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक के वजह से पेट भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है, और एसिडिटी बहुत होती है, तबीयत बहुत ख़राब रहती है, डल रहती है, बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए भी मेरी वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, कि मैंने सोचा थोड़ा सा फिट हो जाऊँ तब मैं इंशाल्लाह जल्दी से अच्छा अच्छा आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूं। इंशाल्लाह मैं बेटे से भी आपको मिलवाऊंगी जल्दी, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि अभी थोड़ा सा तबीयत मेरी थोड़ी सी डल है, दुआ करिए मेरे लिए कि मैं जल्दी से सही हो जाऊं, और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ आपसे मिलूँ।
तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बातें मैंने कर ली, शायद बहुत लोग पक गए होंगे, बट मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस एक बार आप लोग के साथ शेयर करूं। और अच्छा लगता है क्योंकि बहुत लोग बहुत अपनेपन से सुनते हैं, बहुत अपनेपन से उस चीज़ का रिप्लाई करते हैं, तो वो मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अपने दिल की बात आप लोग से करी, और जो मेरे जो मुझे पसंद करते हैं उनको बहुत उस चीज़ को समझेंगे। और इंशाल्लाह मैं जल्दी अपने अच्छे कुछ नए व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, मैं बताऊँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेरे लिए दुआ करी है। और कितने लोग ने मुझसे मतलब बोला, इनफैक्ट पता नहीं कैसे बता दिया कि आपको बेटा होगा ये, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेटा बेटी कोई, देखो यार जो कुछ भी होता है सब कुछ जिगर का टुकड़ा होता है। और आंखों में आंसू आ गए इसलिए कि आप लोग के इतने सपोर्ट, इतने अच्छे मैसेज, इतनी अच्छी दुआओं के लिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही प्यार देते रहिए और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही आप लोग के साथ कुछ ना कुछ ऐसे ही अच्छा शेयर करूँ जो आप लोग को पसंद आए। थैंक यू सो मच इतनी दुआओं के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। तो कुछ पता नहीं क्यों थोड़ा सा इमोशनल हो गई, आई डोंट नो व्हाई, बट थैंक्स अ लॉट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।